अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के फजल से एकदम ठीक ठाक है। तो जी, जब कल हम लोगों ने बाज़ार जाना कैंसिल कर दिया तो फिर मैंने कपड़े धोए थे। एक दफ़ा तो नीचे ले जा चुकी हूँ, ये मज़ीद जो सूख गए हैं मैं आज लेके जा रही हूँ, बल्कि लेके नहीं जा रही हूँ, इधर ही तय करती हूँ। ये नीचे लाइट गई हुई है ना, तो हम लोगों ने ऊपर बैठने का प्रोग्राम बनाया है। और वैसे भी अब ये पूरा पोर्शन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, देख सकते हैं फर्श अच्छे से साफ़ हो गया है, मिट्टी शिट्टी ख़त्म। धो लिया था मैंने रात को ही कपड़े ख़त्म करके, तो अभी मैं बैठ के ये कपड़े तय करूँगी और फिर शाम की चाय। और ये मेरे एलोवेरा की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, रेड रेड हो गया है, पता नहीं इसको क्या मसला है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए एक और गमला ला के ना, इसके जो बाकी दो तीन पौधे हैं उनको अलग अलग करके थोड़ी मिट्टी भी उसमें डाल दूँ तो ये सही हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? पंखा चल गया? ओ बाबा ने यूपीएस चलाया होगा। चलो ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ, चाय बना रहे हैं, चाय ऊपर ही पियेंगे। ठीक है, मैं जल्दी से बना के लाती हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, चाय वाय पी लें ना, फिर जाके ऊपर धो लूँगी बाकी कपड़े। एक कुर निकाल दिया है, आई टी टाइम पापे के साथ अभी शुरुआत की है। ज़्यादा नहीं खाना, इनके लिए बचाना यार। इतने तो उसमें थे ही नहीं। डबोना नहीं ना, देखा मोनेटाइज होगा और कहाँ तक जाएगा। क्यों नहीं होगा, इंशा अल्लाह। मेरा नहीं भी होगा तो ये लोग कर देंगे, मैं इतने वीडियोस डालूंगा अगले कहेंगे यार इसका कर दो, इतने वीडियोस डाले हैं इसने, इतनी मेहनत करी है, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई वो नहीं अब तक इस सफाई से ही। वो ऐसे स्ट्राइक नहीं थी, कोई मेरा वीडियो फंस जाता वो पर नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो जनाब सुबह हो गई है और मैंने आज अभी एक घंटा पहले, घंटा आधा घंटा पहले मैंने चिया सीड एक चम्मच आधे गिलास पानी में भिगो के रख दिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़ा सा अपने वज़न को कम करना है और थोड़े से अपने आप को टेम्पर करना है, अपने आप का ख्याल रखना है। तो ये रहा जी दुवाड़ा, ये कल आया था, तो ये भी सुबह सुबह नाश्ते से पहले लेना बेस्ट रहेगा। मैं इसको काटती हूँ क्योंकि आज सैटरडे है ना, छुट्टी है, तो इस वजह से अभी नाश्ता थोड़ा लेट करेंगे। उससे पहले ये दो चीज़ें मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Thank you.
आज हमारी रोटी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, यानी दोपहर का जो खाना है वो थोड़ा लेट हो गया है। अब आप ये कहेंगे कि कढ़ाई के अंदर ही खा रहे हो, ये लेज़ीनेस है। नहीं, कोई लेज़ीनेस नहीं है। इस चीज़ का मज़ा इस कढ़ाई जिस बर्तन में बना हुआ होता है ना उसके अंदर ही आता है। कभी आप जो चटनी है ना वो अगर वट्टे वाली लंगड़ी में कूटें तो उसके अंदर ही खाएं तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा। तो ये कुछ चीज़ें कढ़ाई जब आयरन कढ़ाई में बनी हुई होती है तो वो उस कढ़ाई के अंदर ही अच्छी लगती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाले चिप्स, ये जिस बर्तन में बने होते हैं उसमें ये अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये है मेरी लस्सी। मैं अपनी डाइट में आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जो एक्सरसाइज के बगैर ही अपना वज़न कम करना चाहें। तो मैं भी आजकल यही कुछ कर रही हूँ, 2 किलो कम कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने कोई ख़ास वर्जिश नहीं की है, बस डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। ये नहीं कि मैंने खाना कोई स्किप किया है, नॉर्मली खाना खाती हूँ, जैसे घर वालों को बना के देती हूँ, जो बच्चों की चीज़ें होती हैं ना वो भी खाती हूँ। लेकिन ये है कि मैं साथ में कुछ ऐसा ले लेती हूँ जल्दी। अभी मैंने खाना बनाते बनाते 2 गिलास पानी पिया है और साथ में अभी मैं ये लस्सी भी पीऊँगी। ये पहली दफ़ा ऐसी लस्सी मैं पी रही हूँ, यानी दूध वाली लस्सी जिसमें नमक डाल के पानी डाल के कच्ची लस्सी बनाई जाती है, तो मैं ये पी रही हूँ। गर्मी भी है तो चलो चलेगा, मुझे ये लस्सी पसंद नहीं है वैसे, लेकिन अभी पसंद को नहीं देखना है, थोड़ा सा पेट में जो है ना खाने की गुंजाइश कम रखनी है। पेट इससे भर जाएगा तो जो है ना खाना मैं कम खा पाऊँगी, तो इससे जो है ना टाइम टाइम से वही हो सकता है इस बार जो है ना मैं वज़न में कम से कम 3 किलो का वो लेकर आऊँ, कमी लेकर आऊँ, जो मेरा टारगेट है। और बाकी मैंने अपने कामों को भी जो है ना थोड़ा सा अपने लिए टफ़ किया हुआ है। मैं खुद बखुद ही अपने लिए कोशिश करती हूँ कि मैं कामों को हार्ड बनाऊँ, ज़्यादा चलूँ, ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ, ताकि जो नेचुरली जो है ना मेरा वज़न कम हो, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी ज़्यादा तरद्दुद के, परहेज़ के भूखा रहो। इस उससे फिर हज़ार किस्म की वीकनेस हो जाती है, मसाइल बन जाते हैं, और मसाइल का शिकार बनने से अच्छा है कि बंदा नेचुरल तरीके से अगर हो सके कुछ चीज़ें ठीक होना तो फिर वो नेचुरल तरीके से ही ठीक की जाए। तो वज़न कम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये मैं पहले भी कम कर चुकी हूँ, मैं पहले भी इस मामले में एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। तो मेरा बेटा भी कहता है मम्मा मुझे मोटी नहीं अच्छी लगती है, मम्मा आप पतली हो जाए, हमारी टीचर पतली है, फलां पतला है। तो मेरे बच्चों को भी जो है ना ज़्यादा, अब मेरे बच्चों का ये डिमांड है, तो मैं उनके लिए भी जो है ना चाहती हूँ कि मेरा वज़न कम हो, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है। हाइट मेरी 5'10" के करीब है, लेकिन उस हिसाब से जो 75 है ये ज़्यादा है। अगर 60 तक भी आ जाएगा ना, 60 से कम होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 60 पर लेकर आऊँ। तो चलें फिर हम लोग खाना खाते हैं, आप भी आएँ, बिस्मिल्लाह करें। मैं पहले अपना ये लस्सी पीऊँगी और उसके बाद फिर खाना स्टार्ट करूँगी। थैंक यू। यहाँ पर मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें, ठीक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।